केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। जांच करते हुए नागपुर की पुलिस टीम कर्नाटक के बेलगांव जेल पहुंची हुई है। पता यह चला है कि जो धमकी शनिवार को दी गई थी, तीन जो फोन कॉल आए थे वो बेलगांव जेल से आए थे और फोन करने वाला भी एक शातिर अपराधी है जो कि एक हत्या के मामले में जिसे फांसी की सजा हुई है, उसका नाम है जयेश पुजारी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि वो शख्स जो है जेल के अंदर से पहले भी कई लोगों को फोन कर धमका चुका है, जिसमें कर्नाटक के भी नेता हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और अब उसने नितिन गडकरी को फोन करके धमकी दी। अब यहाँ दो सवाल पैदा होता है कि एक तो वो जेल के अंदर बंद है तो उसे नंबर कहाँ से मिल जाते हैं नेताओं के, और नितिन गडकरी के नंबर कैसे मिले उनके दफ्तर के, और दूसरी बात है कि फोन कहाँ से आया। तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब उसके पास एक डायरी मिली है और उस डायरी में ढेर सारे नेताओं के, मंत्रियों के और कई अफसरों के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि उसके पास उस डायरी से वो में नंबर है जिसकी सहायता से वो फोन करता है। लेकिन अभी सवाल है कि फोन उसे कैसे मिल जाते हैं और फोन कैसे कर लेता है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बहरहाल अब उम्मीद लगाई जा रही है कि चूँकि वो डायरी जब्त कर ली गई है उसके पास से, तो अब शायद अब और किसी को फोन नहीं कर पाए। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि इतने बड़े शातिर अपराधी जो कि फांसी की सजा जिसे हुई है, जो जेल में है, सलाखों के पीछे बंद है, उसके पास फोन कहाँ से पहुँच जाते हैं और वो नेताओं मंत्रियों को जो है कि धमकाना शुरू कर देता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।